हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने सारे पेपर एनालिसिस देख लिए होंगे। करवाना तो मेरे को भी ये लाइव था, बट कुछ आपातकालीन स्थिति के कारण ये लाइव हम अपलोड नहीं कर पाए। चलो सर, आज हम आपको ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आपका CA अश्योर ऑफर अनअकैडमी पर लाइव है। इट्स अ नो रिस्क ऑफर, मतलब ऐसा है कि अगर आपको CA करना है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर आपको CA छोड़ने का मन है, अगर आप ये सोच रहे हो कि फाउंडेशन इस बार नहीं निकला तो हम छोड़ दूंगा, तब फिर आपके लिए ये नहीं है। आप यहाँ से वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा के पेपर वार्म अप देख लो सीधा, मतलब पेपर देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ओके। अब बात ये है कि ये किसके लिए है। अगर आप CA करने वाले हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि कब करने वाले हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इससे कि कब करने वाले हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे को। अगर आप CA करने वाले हो, ठीक है, अगर आप CA करने वाले हो तो बस मैं इतना बोलूंगा कि CA छोड़ना नहीं है अगर, तो ये अश्योर ऑफर आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सर, इसमें दो फायदे हैं। अगर हो गए, अगर आपका लाइव मतलब क्रैक कर लिया आपने, तो आपको एक साल का CA का सब्सक्रिप्शन मिल ही रहा है दोनों का। अगर नहीं भी क्रैक किया तो सितंबर तक का आपको फ्री फाउंडेशन मिल रहा है, उसके बाद उससे आगे जो इंटरमीडिएट है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, अगले सितंबर 2025 तक। सो यू आर फुल्ली कवर्ड। बस यार कोड CSG लगाओ, इतना अच्छा तुमको फाउंडेशन में पढ़ाया है, उससे अच्छा तुमको इंटर में पढ़ाएंगे और एकदम A1 पढ़ाएंगे, ठीक है, और जुड़ जाओ, पूरी की पूरी टीम आपकी वही है जो पहले थी। अब चलते हैं पेपर एनालिसिस के साथ। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या है मेरे पास आपके लिए, ठीक है, चलो सर, ओके। तो सर एक एक करके शुरू करते हैं। सर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, मैं तो ये बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ABC है उससे इजी क्वेश्चन तो इस भारतवर्ष में कभी आज तक मैंने ICI के कोई भी पेपर में देखा नहीं, इजी, इससे इजी से क्वेश्चन नंबर 1। चलो दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ क्या है कि R एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओन करता है, P विजिटेड द स्टोर टू बाय अ वाटर प्यूरिफायर। अब उसका प्राइस था 54,000। ही स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड R फॉर अ प्यूरिफायर विद कॉपर फिल्टर। उसने बोला कि भैया हमको कॉपर फिल्टर में चाहिए। P वॉन्टेड टू बाय द प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट बेसिस विद एन इंटेंशन ऑफ पेइंग 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कि भैया 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग देंगे। R डिमांड्स अ गारंटर फॉर द ट्रांजैक्शन। R बोलता है कि भैया हमको कोई गारंटी ला के दो। तो S जो होता है ही कम्स फॉरवर्ड एंड गिव्स द गारंटी ऑफ द प्यूरिफायर। उसके बाद प्यूरिफायर बेच दिया, 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, आफ्टर दैट P इंस्टॉलमेंट हो गया। अब मेरे से पूछ रहा है क्या गारंटर लायबल होगा बाकी के लिए? हाँ सर, बाकी के लिए लायबल होगा, बाकी 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा, वो एकदम पेमेंट करेगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, वॉट विल बी योर आंसर इफ R सोल्ड द वॉटर प्यूरिफायर मिस रिप्रेजेंटिंग इट एज हैविंग अ कॉपर फिल्टर While it actually had a normal filter. अरे भाई, अगर normal filter था और तुमने copper filter लगा के बेच दिया तो तुम एक तरीके से, मैं ये बोलूंगा एक तरीके से तुम fraud कर दिए सामने वाले के साथ, ठीक है, एक तरीके से तुमने सामने वाले के साथ fraud कर दिया। देखो मैंने solution बहुत अच्छे से draft करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है, तो ये तो आपने एक तरीके से फ्रॉड कर दिया सामने वाले के साथ, मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट किया है आपने। तो जब मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट रहा है तो इसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड देयरफॉर S इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी, खत्म कहानी, एकदम इजी क्वेश्चन था, S लायबल ही नहीं होगा। अब यही क्वेश्चन में पता नहीं बच्चों को क्या दिक्कत आई, इतना इजी प्योरीफायर का क्वेश्चन है कि S और ये दोनों अवेयर नहीं थे। P रिफ्यूज टू पे द प्राइस इन रिस्पॉन्स पीज रिफ्यूजल आर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एस। क्या ये गारंटर क्लेम कर सकता है? नहीं सर, इसने फैक्ट्स को कंसील किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन से श्योरिटी ली जाती है तो वो वैलिड नहीं होती। नेक्स्ट, दूसरा वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, ये एक एसोसिएट कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, मैं यहां से आपको, मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। सर एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, उसके पास 10,000 ओल्ड शेयर्स थे, ठीक है, उसने एक और 10,000 नए शेयर इशू किए, ठीक है, उस 10,000 नए शेयर में से 5,000 शेयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिए उससे। तो मतलब कहने का यह है कि 10,000 जो शेयर्स हैं उसमें से 5,000 इसने खरीद लिया, यही कंफ्यूज जानबूझ के किया गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी।
आप होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन तो टोटल कैपिटल से देखते हो ना, तो एबीसी के पास टोटल 20,000 शेयर हैं, उसमें से एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड 5,000 होल्ड करता है, तो एबीसी और एक्स वाई जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो दोनों एसोसिएट है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है क्या पीक्यूआर सब्सिडरी होगी, द आंसर इज पीक्यूआर तो कभी सब्सिडरी नहीं हो सकती। मतलब ये बोलता है कि क्या एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, बोलता है अगर है तो उस हिसाब से पीक्यूआर भी उसकी सब्सिडरी हो गई, दो सब्सिडरी हो गई। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड और एबीसी में तो सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ एसोसिएट का है। देखो मैंने लिखा है PQR is not a subsidiary of ABC Limited, since ABC Limited is not the subsidiary of XYZ Limited, अरे वही उसकी सब्सिडरी नहीं है तो तुम कैसे उसकी सब्सिडरी हो जाओगे, कॉमन सेंस वाली बात है, जबकि इन दोनों में तो कोई होल्डिंग भी नहीं है आपस में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था उसने सीधा बोला कि बोलो ऐसे केसेस बताओ जिसमें अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो, ठीक है, तो आउटसाइडर आपको सू कर, मतलब ऐसे केसेस बताओ नॉन रजिस्ट्रेशन से जिसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, अगर ऐसे केसेस देखने जाएं तो भैया सेक्शन नंबर 69 के अंदर ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि आउटसाइडर फर्म को सू कर सकता है भले ही फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं 100 रुपए तक का, 100 रुपीज तक का सेट ऑफ अलाउड है दोनों पार्टनर्स के बीच में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भैया रजिस्टर्ड हो या ना हो। उसके बाद आता है ऑफिशियल असाइनी। सर जो ऑफिशियल असाइनी होता है, ठीक है, जो ऑफिशियल असाइनी होता है, ऑफिशियल असाइनी को जब एक फर्म बंद हो रहा है, ठीक है, एक फर्म बंद नहीं हो रहा, मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, और जब वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका हिस्सा वो फर्म से मांगेगा, अगर फर्म उसका हिस्सा नहीं दे रहा, ऑफिशियल असाइनी आएगा, तो ऑफिशियल असाइनी फर्म को सू कर सकता है। फिर आता है सर एलआर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का ये एलआर होता है, ठीक है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज्ड पार्टनर का, वो भी एंटाइटल्ड होता है पार्टनरशिप फर्म से अपना क्लेम मांगने के लिए जो उनके पापा मम्मी का था, अगर वो उसे नहीं देते, नहीं चुकाते, तो वो भी केस फाइल कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें था कि अगर एक फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए वो कर सकता है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए कर सकता है। फिर आया सर क्वेश्चन टू का ए का जो क्वेश्चन है बड़ा गजब का क्वेश्चन है, दिखाता हूं मैं आपको क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। सोनी अ फ्रेंड ऑफ प्रिया वांटेड टू बाय हर टू व्हीलर, उसको दो टू व्हीलर खरीदना था, प्रिया अग्रीड टू सेल टू व्हीलर टू सोनी and it was decided that the price of her two wheeler will be fixed by Priya's father, ये sale on approval हो रहा है साहब, ठीक है। और फिर प्रिया के पापा बोल देते हैं कि हम नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है, क्या प्रिया व्हीकल बैक टेक वापस ले सकती है, द आंसर इज नो, वो वापस नहीं ले सकती क्योंकि एक बार डिलीवरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, वो वापस नहीं ले सकती, रीजनेबल प्राइस पे हो जाएगा। बोलता है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रिया हैड नॉट हैंडेड ओवर द व्हीकल, सर अगर व्हीकल नहीं हैंड हुआ मतलब तो अभी सिर्फ आपका अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, तो क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, इट्स ओनली एन अग्रीमेंट टू सेल, तो आप अग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन फिर वो सामने वाली सोनी आपसे डैमेजेस क्लेम करेगी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी तो ये पेपर का सबसे 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 सिंपल क्वेश्चन था कि सर राम वॉन्ट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन विच ही विल बी दी ओनली मेंबर, मतलब राम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता है जिसमें राम ही एक लौता मेंबर होगा, राम के अलावा कोई और मेंबर नहीं होगा, तो राम भैया किस तरह की कंपनी बना रहा है, राम बना रहा है 1% कंपनी। अकॉर्डिंगली टू द प्रोविजन ऑफ द व्हाट टाइप ऑफ अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, सर ओपीसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। सेलियंट फीचर क्या है, सेलियंट फीचर ओपीसी के बड़े सिंपल है, एक मेंबर है, ठीक है, वो मेंबर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट होना कंपलसरी है, सिर्फ सिटीजन होना चाहिए, और पास्ट में 120 डेज इंडिया में रहना चाहिए, साथ में नॉमिनी की क्वालिफिकेशन है। फिर ये बता दीजिएगा एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकते वो, ठीक है, एनबीएफसी वाला काम उनको अलाउड नहीं है, साथ ही में सेक्शन 8 कंपनी वाला काम भी वो नहीं कर सकते, ये दोनों मैटर में वो एंगेज ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये दोनों मैटर में वो एंगेज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात ये आती है, और उसके अलावा क्या था कि भैया वो जब भी चाहें अपने आप को फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट में, जब भी उनका मन चाहे
उसमें उनको रिस्क नहीं है, जब मन चाहे तब कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई लेना देना नहीं इस चीज से। अब बात है उसके अलावा, सर नॉमिनी कोई भी बन सकता है, नॉमिनी को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। एक जो मेंबर है वो एक ही एक कंपनी में मेंबर और दूसरे कंपनी में नॉमिनी भी बन सकता है, ये भी अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी थी। ये तो बड़ा ही लप्पू क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बेसिकली ये फीचर्स को डिफाइन करना था, ठीक है। मतलब इन्होंने पहले बता दिया एलएलपी का मतलब क्या होता है, आपसे सीधा पूछा इन फीचर्स को डिफाइन करो। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट की बात आती है तो उसमें हम ये लिखते हैं दैट एलएलपी इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी एज पर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एलएलपी एक्ट। द एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी अंडर लॉ। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में हम लोग लिखते हैं इन केस ऑफ एन एलएलपी the for all the activities of the partners which are performed under the authority the firm is responsible because the partner of the LLP is the agent of the LLP and not of the firm, ठीक है। उसके बाद आया सर foreign LLP, ठीक है। foreign LLP का मतलब क्या होता है सर? foreign LLP मतलब जो LLP इंडिया के बाहर है, ठीक है, इंडिया के बाहर कहीं located है। तो फॉरेन LLPs इंडियन LLP में पार्टनर बन सकती हैं, दे आर एलिजिबल। इवन फॉरेनर्स कैन बिकम द पार्टनर्स ऑफ एन इंडियन LLP, दे आर एलिजिबल टू डू दैट। दे आर नॉट अलाउड दैट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन यहां कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, देखो सर LLP एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन बी पुट टू एन एंड बाय लॉ ओनली। ये सिर्फ पेपर पर ही बनता है। सो LLP इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो पेपर पर क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 का जो क्वेश्चन था ये बड़ा मतलब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप के छोटे छोटे क्वेश्चन थे और ये बड़े ही अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट क्वेश्चन थे, जिसमें जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ये सेक्शन 44 से आया था। ये क्वेश्चन बोलता क्या है कि PQ and R 3 पार्टनर है और इन्होंने डिसाइड किया है कि एक फिक्स पीरियड पार्टनरशिप लगाएंगे 12 ईयर्स की। तो केस लॉ में आपको प्रोविजन में पहले फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का लॉ लिखना था, फिक्स पीरियड को डिफाइन करना था। उसके बाद आपको सेक्शन 44 में एक पॉइंट याद होगा, जब कोर्ट कब डिसाइड मतलब डिसॉल्व कर सकता है आपको, परपेचुअल लॉसेस में। अगर बार बार हर बार फर्म को लॉस हुआ चला जा रहा है तो परपेचुअल लॉसेस में कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो अब यहां पर बात यह होती है कि पी ने अपना बिजनेस, अब यहां पर पी ना अभी भी बिजनेस करना चाहता है लॉस होने के बावजूद, क्यू और आर रिलक्टेंट है। तो पूछ रहा है क्यू एंड आर क्या कर सकते हैं। पहली बात, क्या पी कंटिन्यू कर सकता है? हाँ वो उस कर सकता है, इंसिस्ट। क्यों? क्योंकि एक फिक्स पीरियड पार्टनरशिप को समय के पहले आप तभी बंद कर सकते हो जब ऑल पार्टनर्स का कंसेंट हो, ठीक है, ऑल पार्टनर्स का कंसेंट हो, सारे के सारे पार्टनर का अप्रूवल मिलेगा तभी बंद हो सकती है, वरना नहीं बंद हो सकती। तो ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं क्यू एंड आर को, हु आर रिलक्टेंट टू कंटिन्यू बिजनेस? क्यू एंड आर को क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सर क्यू एंड आर को ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट को अप्रोच कराने के बाद फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। बस ये ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इट इज अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 44। अब आया सर 2 वाला, बोलता है ए एंड बी ऑपरेट अ टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस इन पार्टनरशिप, मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। इन द रेगुलर बिजनेस रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी अक्वायर सर्टेन फैब्रिक क्लोथ। अब यहां पर हुआ क्या था, बी ने सी से सामान खरीदा था, बी को पता है कि सी चोर है, ठीक है, उसने चोरी का सामान लिया, उसके बावजूद, ठीक है, उसने बी ने सी से खरीदा। अब पूछ रहे हैं कि लाइबिलिटी क्या होगी ए एंड बी की टूवर्ड्स सी। देखो सर, ऐसे तो एज पर म्यूचुअल एजेंसी एंड सेक्शन 18 and 25 रेड टूगेदर All partners are jointly and severely liable for the activities of other partners. तो A and B के लिए A and B both responsible होंगे, C को उनको देना पड़ेगा, लेकिन बाद में B को A को compensate करना पड़ेगा as per section number 10, क्योंकि उसने जानबूझ के fraudulent activity में engage किया है। अच्छा, ये question बड़ा ही debatable question था कि ये government company है कि नहीं। As per section 245, yes, it is a government company. क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या बोलता है, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और साथ ही साथ कोई दूसरी कंपनी, ठीक है, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट कंपनी है वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगी। तो अब अगर हम उस हिसाब से बोलें तो अगर आप ध्यान से देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% है, ठीक है, 10% तमिलनाडु वाली गवर्नमेंट का है और 10% राजस्थान का है, 40 यहाँ हो गया। अब अगर एक कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी द्वारा ओन्ड है वो भी अगर दूसरी कंपनी में होल्ड करती है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आता है। तो आप ये 15 भी ऐड करोगे, आप 245 की डेफिनेशन पढ़ो और तब 55% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम एंड एन आर होल्डिंग 70% एंड 30% शेयर्स इन द कंपनी, बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट। मतलब इतना लप्पू लप्पू क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इस पेपर में ना हम एक बात बताते हैं, इस पेपर में कोई फेल नहीं हो सकता, हम एंड में बताएंगे क्यों। इस पेपर में आप फेल नहीं हो सकते, आप मतलब आप कोशिश भी करेंगे ना फेल होने की तो आप इस पेपर में फेल नहीं हो सकते। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। एम एंड एन में 70% और 30% का शेयर है, दोनों एक एक्सीडेंट में मर गए। पूछते क्या कंपनी बंद हो जाएगी। अरे कंपनी कैसे बंद होगी सर, एज पर सेक्शन 220 कंपनी की डेफिनेशन कंपनी में होता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, दैट इज द कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, कंपनी हमेशा कंटिन्यू करेगी, कंपनी को आप कभी बंद नहीं कर सकते, यू कैन नेवर क्लोज द कंपनी एंड द कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, इट इज क्रिएटेड ऑन पेपर एंड इट कैन बी पुट टू एन एंड ऑन पेपर ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो बोलता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर द प्रिंसिपल डेटर एंड को श्योरिटी, क्या राइट होते हैं इनके। तो भैया मैंने बोला यहां आओ, ठीक है, यहां आओ, तो मैंने आपके सामने ये खोला, ठीक है, तो यहां पर देखो भाई सबके राइट लिखे हुए हैं, ठीक है, क्रेडिटर के राइट लिखे हुए हैं, डेटर के राइट लिखे हैं, को श्योरिटी के राइट लिखे हैं। क्रेडिटर का राइट क्या है, क्रेडिटर के अगेंस्ट मेरा क्या राइट है, एक एक करके चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एजेंसी का एक दिन पहले वन शॉट में कराया था, मेरे नोट्स में ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने कोई प्रॉपर्टी क्रेडिटर को देके रखी है, ठीक है, अब श्योरिटी ने पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर को वो प्रॉपर्टी उठा के प्रिंसिपल डेटर को दे देनी है, बिकॉज द सॉरी वो प्रॉपर्टी उठा के श्योरिटी को दे देनी है, डेटर को नहीं देनी है, आई रिपीट डेटर को नहीं देनी है, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होगा वो श्योरिटी का होगा। दूसरा, अब मान लो पुरानी कोई उधारी है, मैंने क्लास में राकेश सर का एग्जाम्पल लेके बताया था, मान लो कोई पुरानी उधारी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, कोई पुरानी उधारी है, तो अब क्या हम वो पुरानी उधारी से ये नई डेट को सेटल ऑफ करके श्योरिटी पेमेंट कर सकता है, हाँ कर सकता है। फिर था राइट ऑफ रिडक्शन, इस पर एक फर्नीचर वाला केस स्टडी भी किया था अगर आपको याद हो तो। मान लो कि हम डेटर ने क्रेडिटर को एक फर्नीचर दिया 2 लाख का और उसके बदले में क्रेडिटर ने उसको 2 लाख का उधार दिया, उसने फर्नीचर को गिरवी रख दिया, उसके बाद जब पेमेंट की डेट आई वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्रेडिटर ने फर्नीचर बेचा, उसको 80,000 रुपये मिले फर्नीचर से, तो श्योरिटी क्या पूरा 2 लाख पेमेंट करेगा, नहीं सर, श्योरिटी से 1,20,000 पेमेंट करेगा, दैट इज इट, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं करेगा। फिर आता है सर प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर का क्या राइट है, सबसे पहला राइट ऑफ सबरोगेशन, ठीक है, मतलब जिस दिन श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट किया उस दिन जो पोजिशन में क्रेडिटर खड़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वहां आके श्योरिटी खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, ठीक है, देर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, मतलब क्या है, हम लोग ने एक्चुअली में डेटर और श्योरिटी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है। इम्प्लाइड प्रॉमिस का मतलब क्या है कि भैया कंपेंसेशन होगी 100% होगी, उसके पीछे कोई अदर डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, द कंपेंसेशन विल डेफिनेटली बी डन, ठीक है, उसके लिए कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आया सर को श्योरिटी, सर को श्योरिटी का मतलब क्या होता है, सर को श्योरिटी मतलब जो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा को श्योरिटी है तो सब लोग इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अनलेस उनके बीच में कोई दूसरा रेशियो ना हो। नेक्स्ट बोलता है अगर उनके ऊपर कोई लिमिट लगी हुई है, मानो ए बी सी 3 श्योरिटी है, ए ने बोला मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, बी ने बोला 2 से नहीं दे सकता, 3 बोला 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो अगर लाइबिलिटी 5 लाख की आती है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इक्वली देंगे, तब ए मैक्सिमम 1 लाख तक ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, जिसकी जितनी लाइबिलिटी की लिमिट है।
थ्री हो गया, हाफ वे थ्रू द पेपर गाइस, बहुत ही आसान पेपर था भाई, बहुत ही आसान, हिंदी वाला आ गया, ठीक है, हिंदी वाला पेपर भी सेम ही था भाई, ऐसा नहीं अलग था। अच्छा, फोर का ए का वन, ठीक है, मिस्टर जे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद एस टू परचेज हिज हाउस फॉर 20 लाख विद इन 3 मंथ्स, ही ऑल्सो पेड 50,000 एज टोकन मनी, उसने 50,000 रुपये टोकन मनी की तरह भी दे दिए। इन द मीन वाइल इन एन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, अरे ये बेसिकली क्या होता है, देखो तुमने घर दिया, जमीन बनाई, अब सरकार वहां से क्या कर रहा है, सरकार वहां से एक ब्रिज खींचना चाहता है, तो वो जमीन तो अब सरकार रख लेगा अपने पास, तो एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में एस को पहले से पता नहीं था, ना जे को पता था। अब मिस्टर एस का हाउस को गिराना है, जे वॉज इन्फॉर्म्ड, अब उसने पैसे वापस मांगे, क्या उसको मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा, दिस इज एज पर सेक्शन नंबर 56 सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो पूरा का पूरा जो टोकन मनी 50,000 दिया है पूरा रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एजेंसी के रिवोकेशन का है। यहां पर एक आदमी ने दूसरे आदमी को बोला है कि तुम मेरा लैपटॉप बेचो, हम तुमको 11% कमीशन देंगे। बाद में उसको सपना आता है कि भैया फ्यूचर में लैपटॉप के दाम और बढ़ेंगे, तो वो उसको मना करने जाता है, बट उसके पहले ही उसने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रखी है, दिस इज एज पर सेक्शन 202 एंड 203 एजेंसी में, उसने ऑलरेडी बेच दिया 5 लैपटॉप, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 5 लैपटॉप के लिए उसकी अथॉरिटी बाइंडिंग है? हाँ सर है, 5 के बाद के लिए नहीं होगा, लेकिन 5 के लिए तो कमीशन देना पड़ेगा, और कमीशन भी देना पड़ेगा 11% पर। कितनी कमीशन होगी? 5 लैपटॉप इंटू 1 लाख इंटू 11%, कैलकुलेट करके दिखाना है, इसीलिए बोला था कैलकुलेटर लेके जाना। अच्छा, फिर आया सर सेक्शन नंबर 76, सेक्शन नंबर 76 बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये प्रेजेंटमेंट का क्वेश्चन है। बेसिकली 4 ऐसे केसेस होते हैं, और इसका हमने एक्रोनिम बनाया है क्लास में पॉइंट, जिन केसेस में आपको प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसे जब उसने एक पर्टिकुलर प्लेस बताया और उस प्लेस पर वो अवेलेबल नहीं है, या उसने कोई अदर प्लेस बताया और रीजनेबल बिजनेस टाइम पर उस अदर प्लेस पर अवेलेबल नहीं है, या उसने इंटेंशनली वो जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहा है और वो चाहता नहीं है कि आप तक बात पहुंचे, ठीक है, या वो आपको चाहता ही नहीं कि आप प्रेजेंट करो वरना पैसा देना पड़ेगा, और लास्ट वाला है जब आपने हर जगह खोजने की कोशिश की बट ही इज नॉट फाउंड, तो बस यही लिखना था आपको इसमें, और प्रॉमिसरी नोट को डिस्क्राइब भी कर सकते थे आप, हम होते तो करते। फिर सर ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, आपको एससेबी के बारे में लिखना था, रिजर्व बैंक और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के बारे में लिखना था, ये तो बेसिक शॉर्ट नोट है, आप उठा के बुक से डाल सकते हो, सब दो दो नंबर के लिए थे, तो लगभग रख लो सब में 4-4 सेंटेंस अगर आपने लिख दिया तो मोर देन इनफ, ठीक है। आइए, वैसे मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको इन डेप्थ किसी में लगे, अभी लाइव नहीं हो पाया, भगवान क्या बोल सकते हैं, अगर आपको किसी एक में लगे कि हाँ सर थोड़ा और बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। मैं 5 का A question अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है, इसको विस्तार से थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले बाकी सब करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है क्यों मैंने बोला इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं, रुको बताएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? आपको यहां पर डिफरेंस बिटवीन लिखना था पहले, इसका हमारा एक एक्रोनिम भी है बेसिस का, काऊ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, काऊ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक में आपके डिफरेंस बिटवीन लिखा है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन लिखना था और कुछ नहीं। और फिर 3 कंडीशन बतानी थी जिसमें कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, सर कौन सी 3 कंडीशन है? बड़ी सिंपल सी, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है, ये 3 कंडीशन इस धरती की सबसे आसान कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है सर? कंडीशन नंबर 1, इंसेनिटी, अगर कोई एक्टिव पार्टनर परमानेंट बेसिस पर पागल हो जाए, ठीक है, जहां से उसको रिकवरी या उसका दिमाग ठीक करने का कोई तरीका ना बचे, इंसेन हो जाए, उस केस में डिसोल्यूशन हो सकता है। दूसरा है परमानेंट इनकैपेसिटी, देखो इतना गजब है, इसी से रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट से, इतना इंपॉर्टेंट हो गया कोर्ट, इसके पहले किसी अटेम्प्ट में पूछा भी नहीं था, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है, जिसने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की वजह से 7 नंबर इधर और 3 नंबर उधर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको 10 नंबर मिला, इसलिए वो जो 11 घंटे का 12 घंटे का सेशन लिया था इतना इंपॉर्टेंट था, आज आपको उसकी अहमियत समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इंसेनिटी हो गया, परमानेंट बेसिस हो गया, ठीक है, परमानेंट बेसिस हो गया,
अब बात तीसरा आया सर मिसकंडक्ट, ठीक है, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब जब आप कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हो, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस है या नॉट, तो फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है कोर्ट ऑर्डर से। ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम में भी दिया था। इस क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 37, 38, 39 प्रॉमिसी के तीनों आएंगे, जिसमें आप बताओगे कि पहले दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, बोथ द पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल। फिर आप 38 में बोलोगे द प्रोमिसर शैल टेंडर ऑफर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इफ ही इज रिफ्यूज्ड बाय द प्रोमिसी तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइम में करना चाहिए। अगर उसमें कुछ चीज़ें चेक कराने की है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग हो जानी चाहिए, और अनकंडीशनल होना चाहिए वो परफॉर्मेंस। फिर 39 में आप बताओगे कि अगर प्रोमिसर चूक जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, अगर प्रोमिसर चूक जाता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो उस केस में प्रोमिसर चूक जाता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या तो अगर प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस दोनों केसेस में मिल जाएंगे, लेकिन एक बार एक्सेप्ट किया तो वापस कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये वही वाला क्वेश्चन था, शीतल विद्या मंदिर वाला, जिसको तुम लोग डांस बार वाला क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। 6 का ये लास्ट क्वेश्चन, एम ने एक इशू किया है 10,000 रुपये का चेक जेड को और वो डिसऑनर हो गया है, पूरा का पूरा सेक्शन 138 आएगा। पहले बोलता है कि विल ही बी लायबल इफ द इफ डिसऑनर, हाँ सर, 2 साल की जेल, 2 times द अमाउंट ऑफ पेनल्टी या बोथ। फिर बोलता है अगर डोनेशन के लिए हो तो, अगर डोनेशन के लिए हो तब लायबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 138 डोनेशन पर अप्लाई नहीं करता, ठीक है, डोनेशन, गिफ्ट और इलीगल कंसिडरेशन पर अप्लाई नहीं करता, तो उस केस में उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। डिसऑनर फिर भी होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर 2 questions थे, ये सबसे यूनिक तरीके की चीज़ है जब ICAI ने क्वेश्चन के अंदर चॉइस दी है। ऐसा इन्होंने ना पहली बार जब न्यू सिलेबस मई 18 का इंट्रोड्यूस किया था तभी भी किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर वो दोबारा नहीं किया, लेकिन अभी वापस से ये किया गया है एक बार। तो सर वेजरिंग, और सबसे बढ़िया बात है जो 51 क्वेश्चन सेक्शंस मैंने रिवाइज कराए थे ना, उस 51 सेक्शन के रिवीजन में मैंने ये सबसे 2 सेक्शन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी थी, 30, 31, और ये एक के बाद एक में आते हैं सर। तो पहले आपको वेजरिंग को बताना था कि वेजरिंग मीन्स एनी इवेंट, एनी अग्रीमेंट विच इज वॉइड, विच इज डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, उसी पर डिपेंडेंट है, टू विन मनी और मनी इज वर्थ। फिर कुछ ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन आपको बताने जो वॉइड नहीं होते, जो वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग जैसे दिखते हैं, जैसे चिट फंड, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, क्रॉसवर्ड एंड पजल, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें वेजरिंग है नहीं, बट वेजरिंग जैसी लगती हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। वॉट इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा अगर कोलैटरल इवेंट आता है तो। उसके बाद आपको एनफोर्समेंट बताने थे 3 rules, एक बताना था, एक आप बता सकते थे डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंडेंट है और अगर वो बाद में इवेंट हैपन नहीं करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और अगर वो चीज हैपन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, या अगर कोई चीज हैपनिंग पर डिपेंडेंट है फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड और अगर उस फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो हैपन ही नहीं हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा। ऐसे करके 3 दे सकते हैं, बुक में तो 7 है टोटल में, आप 3 कोई से भी दे सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद आया जे, जे अ होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 bags ऑफ राइस ऑफ 10 kg each। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को 100 bags ऑफ राइस दिया 10 kg each, जिसमें से 5, ठीक है, उसने कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर ने एक कंज्यूम कर लिया, 4 bags वापस लेके आता है। क्वेश्चन में पता है मैथमेटिकल एक बहुत गजब सी चीज थी, 10 उसने दिया, 5 उसने कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर 4 वापस लेके आता है, 1 bag उसने खा लिया, ये बात डीम्ड थी। कुछ बच्चे खोज रहे हैं 1 bag कहाँ गया, मेरे को आगे बोल रहे क्वेश्चन में गलती है, आप 5 bag होने चाहिए। अरे 1 bag उसने खा लिया तभी तो उसको समझ में आया कि सही क्वालिटी नहीं है, चावल बना के खाया होगा तभी तो समझ में आया कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो वापस रिटर्न कर दिया। अब पूछ रहे हैं क्या पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन चेंज हो सकता है, पूरा ट्रांजैक्शन रिटर्न हो सकता है? द आंसर इज सर, आंसर इज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बात समझनी है आपको, सेल एंड रिटर्न बेसिस पर
जब आप एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो रिटेलर अब कुछ नहीं कर सकता सेलर के अगेंस्ट, ठीक है। अब आया सर 5A, ये गजब क्वेश्चन है। हम बताते हैं पहले इस क्वेश्चन का एस्पेक्ट, मेन इसमें है क्या। देखो सर, जब ऑक्शन सेल होती है ना तो एक ऑक्शनियर अपॉइंट किया जाता है। अगर वो ऑक्शनियर खुद भी बिडिंग प्रोसेस में बैठना चाहता है तो उसको ये बात सेलर को इन्फॉर्म करनी पड़ती है। तो उसको राइट टू बिड अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है कि मैं भी बिड कर सकता हूं। राइट टू रिजर्व द बिड का मतलब है आई एम रिजर्विंग दिस राइट कि मैं भी बिडिंग में बैठूंगा। अब इस क्वेश्चन में जो पूरा केस हुआ है वो ये था, ठीक है, सीधे क्वेश्चन तो सीधे आखिरी में है। ये देखो यहां तक तो पता है, यहां तक ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये तो सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वो यहां पूछ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वो यहां पूछ रहा है। अब देखो सर, इस केस में हुआ क्या, बात समझो, हम पूरा केस आपको एकदम प्रॉपर पढ़ के समझाते हैं। पीटीसी होटल इन बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर बाय एन ऑक्शन से। फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड आर एन सिंह एंड एसोसिएट, ये मेरे फॉर्म का नाम है पता है, जहां से हमने आर्टिकल छिपकी थी, आर एन सिंह एंड एसोसिएट एज एन ऑक्शनियर, इन्होंने बुला लिया। दे इन्वाइटेड द टॉप 10 रिनाउंड आर्किटेक्ट्स। अ राइट टू बिड वॉज नॉट नोटिफाइड, नॉट पे सर्किल करो, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर बिडिंग प्रोसेस में आर एन एसोसिएट का कोई भी आदमी बैठा तो उसको बिड करने का हक नहीं मिलेगा। मतलब अगर उसकी बिड सबसे ज्यादा हाइएस्ट भी हुई तो उसको हक नहीं मिलेगा कोई। तो अब हुआ क्या, फर्नीचर वॉज पुट अप इन लॉट्स फॉर सेल, ठीक है, फर्नीचर को पुट अप किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉर एवरी लॉट ऑफ फर्नीचर देयर विल बी अ रिजर्व प्राइस, हर लॉट के लिए एक रिजर्व प्राइस होगा। ऑन 25th Feb ऑक्शन वॉज स्टार्टेड 10 AM और इसमें तीन लोग आए थे, नील, राज एंड देव ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी। अब आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा हाइएस्ट बिड देव की है, 6,10,000, लेकिन तुम देखना जिताया उन्होंने नील को है, क्यों, उसके पीछे रीजन है। द सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर नील बाय आर एन सिंह एंड एसोसिएट बाय फॉल ऑफ द हैमर। मिस्टर देव बिल वॉज रिजेक्टेड दैट द राइट टू बिड वॉज रिजर्व एंड द कंपनी ऑफ देव वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द बिड। जब आपको बिडिंग प्रोसेस में बुलाया ही नहीं गया तो आप बिड कैसे कर लिए भाई, आपको हमने जब इनवाइट ही नहीं किया तो आप उस प्रोसेस में एंगेज कैसे कर गए। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिस्टर देव क्या ये बोल रहे हैं कि ऑक्शन लॉफुल नहीं है, भाई ऑक्शन लॉफुल है, देव को इनवाइट ही नहीं मिला तो वो बिडिंग में बैठ कैसे सकता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, फिर एक इटालियन फर्नीचर आया, दूसरी बिडिंग हुई दूसरे प्रोडक्ट की। अब यहां पर धीर और मधु ने बिडिंग की, अब मधु ने बिडिंग किया ऑन बिहाफ ऑफ आर एन सिंह एंड एसोसिएट। अब आर एन सिंह एंड एसोसिएट ने तो पहले परमिशन ली नहीं है कि वो बिडिंग प्रोसेस में आ सकते हैं, तो इनकी बिड खारिज हो गई, जीत गई धीर। अब ये भी चिल्ला रहे हैं कि भैया ऑक्शन इलीगल है, ऑक्शन इलीगल नहीं है, देव को इसलिए नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि देव की कंपनी को इनवाइट नहीं किया गया था ऑक्शन में, और मधु को इसलिए नहीं मिला क्योंकि भैया मधु जी को तो आर एन सिंह एंड एसोसिएट ने राइट टू रिजर्व फॉर बिडिंग लिया ही नहीं था, मतलब उन्होंने सेलर को इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि मैं खुद भी बिडिंग प्रोसेस में बैठने वाला हूं, तो उनके पास से राइट चला गया। अब मैंने क्यों बोला कि इस पेपर में फेल होना नामुमकिन है, उसके पीछे रीजन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है 7 नंबर का, सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लप्पू क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन और लप्पू है, ठीक है। तो टोटल में 7, 7, 14, 20 मार्क्स तो आपके यहां हो गए, 20 जो हम पेपर के सबसे इजीएस्ट मार्क्स जोड़ रहे हैं,
सात नंबर सोनी वाले क्वेश्चन में सिंपल सेल ऑन अप्रूवल, सात नंबर ओपीसी और छह नंबर इसमें, तो 20-20-40 नंबर के तो सबसे आसान क्वेश्चन ये बन गए जिसमें गलती का स्कोप नहीं है। उसके बाद 4-3-7 नंबर का पेपर ये बना, चलो मैं गवर्नमेंट कंपनी को थोड़ा चैलेंजिंग मान लेता हूं, 7-3-10 ठीक है, और 10 और 6 को श्योरिटी 16, 16 और 4 20, 4 का ए, 4 के ए तक 20 नंबर और बने ठीक है। मैं तुमको सिर्फ गिना रहा हूं जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, फिर 3, चलो मैं इसको भी नहीं गिनता 7 वाले को, इसको भी नहीं गिनता 6 वाले को, और लास्ट वाले को भी नहीं गिनता, मैं बस 3 और गिनता हूं। इस पेपर में 63 मार्क्स का पेपर ऐसा था जो एवरेज से एवरेज बच्चा भी, जिसने सिर्फ मैराथन ही किया और कुछ नहीं किया है स्टार्टिंग से, वो भी इस पेपर में 63 में पूरा मार्क्स का पेपर बढ़िया से बना सकता था, इतना आसान ये पेपर है। और डायरेक्ट क्वेश्चन एक्शन छोड़ के वो सब तो अलग, अरे 63 नहीं, लास्ट क्वेश्चन तो जोड़ा ही नहीं मैंने, अरे वो वाला तो जोड़ा ही नहीं मैंने जो उसका था, ये 138 वाला, वो तो सबसे आसान क्वेश्चन था, उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं, भूल गया। हाँ तो लास्ट वाला क्वेश्चन 7-138 वाला, और ये 7 नंबर वाला नीचे, तो 14 नंबर और ठीक है। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा था 14 नंबर और 17 77 मार्क्स का पेपर, एकदम लप्पू पेपर था, तो मतलब पासिंग के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये पेपर डिफिकल्ट था ठीक है। अब भैया ये पेपर हमने बता दिया, अब देखो इसमें दो तरह के बच्चे होंगे, एक तरह का बच्चा ये देख रहा होगा कि पेपर देख के वो समझ गया होगा कि भैया उसका पेपर अच्छा हुआ है और वो पास हो जाएगा, इस तरह के बच्चे को अपने सीए इंटर के साथ प्रोसीड कर देना चाहिए, 12 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है ठीक है, 12 जुलाई से, और अश्योर ऑफर को क्लेम करके बढ़ो जस्ट फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। जो बच्चे को 50-50 लग रहा है ठीक है, आप क्या करो, आप अपनी सितंबर की प्रिपरेशन शुरू कर दो, टाइम मत वेस्ट करो, हमारे बैचेस हैं, आप बैचेस में एनरोल करो, और साथ ही साथ अब बैचेस आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों देखने पड़ेंगे, कॉमन सेंस है, और साथ में वाईटी पर रिवीजन करो। सो टाइम नहीं वेस्ट करना है, ईदर यू स्टार्ट विद दिस और यू स्टार्ट विद दिस ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि सर हमको लगता है कि हम पास हो जाएंगे और हम इंटर के लिए करना चाहते हैं, मैं तो बोलूंगा अगर 50% से ज्यादा आपको लग रहा है कि आप पास हो जाओगे, देन यू शुड स्टार्ट विद इंटरमीडिएट, मैं तो ये बोलूंगा आप इंटरमीडिएट के साथ स्टार्ट कर लो ठीक है, स्टार्ट विद इंटरमीडिएट और सीए अश्योर ऑफर में करिए। अगर भगवान ना करे आपका कुछ गलत भी हुआ तो आपको सितंबर तक का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, सितंबर 24 तक का, और हम लोग आपका सीए इंटर भी एक्सटेंड कर देंगे टिल सितंबर 2025। सो ऑन दिस नोट सर, आई एम लीविंग यू फॉर टुडे, आई विल मिस यू ऑल गाइज, भाई बहुत बड़ी एक अच्छी रिलेशनशिप थी हमारी, काफ़ी लंबा समय साथ में बिताया, आप देखते हैं रिजल्ट आएगा, सब बढ़िया से पास हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे अगले लेवल पर जाएंगे ठीक है, और हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आप सबको इनवाइट करते हैं, आप सब मेरी फैमिली का पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, इंडियाज़ नंबर वन एजुकेटर फॉर लॉ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लीव योर लवली कमेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइव नहीं हो पाया आपातकालीन स्थिति की वजह से, किसी ने स्ट्रीम एंड कर दी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिकॉर्डेड किया और आपको आज ही रात को ये डिलीवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।